इस्म साकिब है ना यहाँ यहाँ बिजवाड़ा में बंद, वो है ना, और भी जितने लोग हैं आप जाके देखिए उनका रिकॉर्ड देखिए, किसी के खिलाफ FIR कभी दर्ज हुई है? झूठ बोलते हैं। इनको इलेक्शन रिक करने के लिए जिम्मेवारी दी गई, जैसे 87 में कुछ अफसरों ने किया था, आज ये लोग कर रहे हैं, और इनके बस की बात भी नहीं है। सारा ऊपर से LG के ऑफिस से डायरेक्शन आ रही है, DG के ऑफिस से डायरेक्शन आ रही है, बेचारे क्या करेंगे। छठे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। इससे पहले 8 राज्यों की 49 सीटों पर 62.91% वोटिंग हुई थी। बारामूला में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, और बिहार के सारण में भी कई हिंसा की खबरें आई थी, वहां हिंसा से एक की मौत भी हुई। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव जरूरी है और अलग भी। 10 सालों से यहां विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई बड़ा चुनाव हो रहा है। कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट पर अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ। वोटर टर्नआउट के मुताबिक यहां 59% लोगों ने वोट डाले हैं। छठे चरण के मतदान के लिए जम्मू कश्मीर की अनंतनाग रजौरी सीट पर वोटिंग हो रही है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती यहां से चुनाव लड़ रही हैं। वो वोटिंग में धांधली का आरोप लगाकर धरने पर भी बैठ गई। महबूबा ने कहा, हमारे लोगों को घरों में बंद कर दिया है, ये लोग वोटिंग में गड़बड़ी करना चाहते हैं। उप राज्यपाल साहब, मैं LG साहब से कहना चाहती हूँ कि आप क्या UP से यही करने के लिए यहाँ आए हैं? आप 87 को दोहराना चाहते हैं, आपको शर्म नहीं आती? चुनाव में धांधली करवाने के लिए यूपी से आए हैं, ये लोग 1987 के चुनाव में हुई गड़बड़ी को दोहराना चाहते हैं। अगर महबूबा मुफ्ती से इतना डरते हैं तो पहले कहना था मैं चुनाव ही नहीं लड़ती। हम किसी भी सूरत हाल में ये नहीं होने देंगे। वी विल नॉट लेट देम स्टील दिस इलेक्शन। ये जानते हैं साउथ कश्मीर अनंतनाग राजौरी पुंच के सारे लोग महबूबा जी को चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ओनली महबूबा जी उनकी बात बेबाकी और बिला खौफ से पार्लियामेंट में रखेंगी, एंड इंशाल्लाह ये जीत हमारी है। हम इन्हें धांधली नहीं करने देंगे, हम ये इलेक्शन जीत के ही रहेंगे। LG साहब मस्ट आंसर। उन्होंने कहा था कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है? आप हमारे वर्कर्स, देखिए हमें बोला जा रहा है, ये SSP अनंतनाग एंड DIG करा रहे हैं, जो हमारे सारे वर्कर्स को रात में लिया है, थाने में रखा है, बहुत सारे स्टेशन में, होम शालीबुग में, हमारे पोलिंग एजेंट्स को अंदर ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर जाने भी नहीं दे रहे हैं। बिकॉज दे नो कि लोग यहाँ PDP को ही चाहते हैं और लोग PDP को ही वोट डालेंगे। मेरे लोगों से यही अपील है, जो हमारी आवाम है, खासतौर से अनंतनाग एंड कुलगाम की, कि आप बिल्कुल नहीं डरिए, इनके मुंह पे जोरदार चांटा मारे बाय गोइंग आउट देयर एंड कास्टिंग योर वोट, क्योंकि आपके वोट में ताकत है, और इंशाल्लाह महबूबा जी को हम पार्लियामेंट भेजते रहेंगे। अनंतनाग सीट पर आज लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर तकरीबन 18,36,576 मतदाता है। 19 पोलिंग स्टेशन बॉर्डर के पास बनाए गए हैं। वहीं इस सीट पर 20 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य तौर पर इस सीट पर सीधा मुकाबला PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मियां अल्ताफ के बीच रहने वाला है। लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर, हरियाणा के 10 सीट पर, उत्तर प्रदेश के 14 सीटों पर, ओडिशा के 6 सीटों पर, बिहार के 8 सीट पर, पश्चिम बंगाल के 8 सीटों पर, झारखंड के 4 और जम्मू कश्मीर के 1 सीट पर मतदान हो रहा है। खैर, मतदान के बीच हम सभी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया। ने लास्ट बार भी वोट डाला, हमें यहाँ पे कोई फायदा लाभ नहीं मिला उसका, तो इस बार हम यही चाहते हैं कि हम जिसको भी वोट डाले, जो भी यहाँ पे ये कामयाब हो जाए, ठीक है, MP के सीट से, तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम उसको कामयाब करें और वो भी हमारे पूरे जितने भी मसले मसाइल है वो पूरे कर सके। आप जैसे नौजवान अब ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का मसला उनके पास बहुत है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए लिटरेसी रेट जो है वो हाई है इन ओवर कश्मीर। और फिर अगर अब हम अपनी वंतरा की बात करें, जहाँ पे हम पठान लोग रहते हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे पहले जमाने के बहुत कम थे, अब बहुत ज्यादा हुए हैं, और हमें उसका, हम यही चाहते हैं कि हम वोट डालें और जो भी आए वो हमारे रोजगार का भी मसला हल करे और विलेज में जितने भी
मसले मसाइल होते हैं वो भी हल करें। एक वोट की कितनी अहमियत होती है जी? एक वोट की वो तो एक युवा जानता है कि क्यों वोट की कितनी कीमत होती है, और एक चुनाव वाला जो होता है कैंडिडेट उसको पता होना चाहिए। एक वोट से वो हार भी सकता है और एक वोट से वो जीत भी सकता है। दैट मीन्स वोट जो है वो बहुत अहमियत है, लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से एक वोट का कीमत मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बावजूद आज जो है आज हम यहाँ पे आए। नहीं तो जिस हिसाब से हम देखा जाए कश्मीर में हमें वोट करने का कोई मकसद ही नहीं था, लेकिन इस बार हमने ठान लिया है कि जो भी आए हमारे मसले मसाइल, सबसे बड़ी बात है हमारे जो मसले मसाइल है वो हल करे। हमारे मसले मसाइल हल हुए और हमारी बेरोजगारी का मसला जो है वो भी हल हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।